Are you ready? I was born ready. एक साधारण साइकिल में सिर्फ 20 मिनट में फिट हो जाता है और उसको एक इलेक्ट्रिक साइकिल में अपग्रेड कर देता है। सबसे ज्यादा मिलावट फूड प्रोडक्ट में अगर होती है वो मसालों में होती है। अब हम लेके आए हैं इसी इंडस्ट्री का चेहरा बदलने के लिए ज़ॉफ। तो इतनी क्लटर्ड मार्केट में आपकी हिम्मत कैसी हुई घुसने की? मार्केट बहुत बड़ा है, आप पुणे में बैठे हैं, आप वो 3 मसालों को देख रहे हैं। आपको बड़ा पता है मसालों के बारे में? हा? अरे हर एक मसाले के मैं नाम बताती हूँ। बताओ मैम, 4। हमने बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, लेकिन हम उन प्रॉब्लमों को इग्नोर करने की जगह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए यही सोचते थे। हमने बनाया है 3 ग्लास वॉशिंग मशीन जो कि 15 ग्लास वॉश कर सकता है एक साथ सिर्फ 30 सेकंड। आपकी कहानी देख के अभी हर गांव में बच्चा बोलेगा मुझे भी आविष्कार करना है, एक बड़ा धंधा बनाना है। हम आपके लिए भी दिल्ली से लाए हैं अपना दरियागंज। कुंदन लाल जग्गी, द मैन हु इन्वेंटेड बटर चिकन एंड दाल मखनी, वो मेरे दादाजी थे। मैं आपके रेस्टोरेंट में बहुत जाता हूँ। That's great to know. मैंने सोचा था पहले आप लोगों को ना कहीं पे लिख के करूँ कि I want to be an investor. That's amazing. Our ask is 90 lakh rupees for 0.5%. इतनी ज़्यादा valuation क्यों मांग रहे हैं? Last month 4.5 करोड़ का माल online बेचा है। चलिए आपको मैं ऑफर करता हूँ। चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ, नो कंडीशन। बोल। मैं आपको ऑफर देती हूँ। आपको ना डिसीजन लेना पड़ेगा। लेते हैं अमन, इतना जल्दी मत मचाओ। बात तो करने नहीं दी आपने मेरे को, आप ही बोलते रहे। आप समझ ही नहीं पाते बिजनेस से, हम क्या करें। आप एकदम कंफ्यूज लग रहे हैं, इसलिए मेरा ऑफर डन, आई एम आउट। हम हिंदुस्तानियों को सभी चीजों में मसाले चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज हो, चाहे पिंकी आंटी की गॉसिप्स, सब कुछ मसालेदार चाहिए। अगर हमें मसालों से इतना ही प्यार है तो हमारे किचन में वही पुराने स्टाइल के मसाले हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब बात करें ब्रांड्स की, तो गिने चुने ब्रांड्स हैं जो दिखते एक जैसे हैं। 40-50 साल से कोई इनोवेशन नहीं हुआ है। पहले खुला बिका करते थे, फिर डब्बे में आ गए। साक्स यूनो, आज स्पाइस मार्केट जो 80,000 करोड़ रुपए का है, बट इसमें 70% सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए सबसे ज्यादा मिलावट किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर होती है वो मसालों में होती है। आपको शौक लगेगा जान के, मसालों में ईट, केमिकल, भूसा, यहाँ तक गोबर तक मिलाया जाता है। ये जी न्यूज का रिसर्च रिपोर्ट था, एनी टाइम आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अब हम लेके आए हैं इसी इंडस्ट्री का चेहरा बदलने के लिए ज़ॉफ। साक्स, मैं हूं आकाश कुमार अग्रवाल। साक्स, मैं हूं आशीष अग्रवाल। हम आते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। वाओ, बेसिकली हम ज़ॉफ के फाउंडर्स हैं। ज़ॉफ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंट्रल इंडिया में, विद कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी, यूनिक जी ब्लॉक पैकेजिंग के साथ आता है, प्रॉपर लैब फैसिलिटी के साथ आता है, हर क्वालिटी प्रॉपरली मेंटेन की जाती है। अपने ब्रांड की वैल्यू बनाने के लिए फर्स्ट डे से हमने शिल्पा शेट्टी को ब्रांड एम्बेसडर ले रखा है, ताकि लोगों का ट्रस्ट और बिल्ट अप। 2018 में ज़ॉफ की जर्नी शुरुआत हुई थी। आज हमारा प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट के अलावा इंडिया के टॉप लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, क्रेड, बिग बास्केट जैसे में अवेलेबल है। ऑफलाइन स्टोर्स की बात करें तो लगभग 10,000 स्टोर्स में हमारा प्रेजेंस है, और हम होरेका में भी तड़का लगाते हैं। हमने हमारा विजन रखा है कि आने वाले 5 साल में इंडिया के टॉप 5 स्पाइसेस प्लेयर में बनेंगे, और इसके अलावा नंबर 1 ऑनलाइन स्पाइसेस प्लेयर बनेंगे। तो सार, इसी विजन में हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपसे डिमांड करते हैं 1 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी। 200 करोड़ वैल्यूएशन, बहुत ही मसालेदार स्टार्ट किया आपने। मिर्ची लग गई आपकी वैल्यूएशन से। सर, टर्नओवर सुन के मैं और थोड़ी लगे, और मिर्ची लगेगी। अरे मजा आ गया। आप दोनों भाई हैं?
रियल ब्रदर्स लगते नहीं हो बिल्कुल शक्ल से तो जेनेटिक फैक्टर होगा पापा भी गया होगा मम्मी पे नहीं गया होगा आपके बाल भी ऐसे ही थे क्या दो साल पहले नहीं मेरे आगे से काफी थे इनके कम है देखा है मैंने पुराना आपका फोटो देखा आई आई एनवी योर लाइफ योर वाइफ लाइफ क्या बोला लाइफ 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 वाइफ सुनाई दिया क्या दोनों बोल दो ना दोनों दोनों नो यू मस्ट एनवी माय वाइफ बिकॉज़ शी इज मैरिड टू मी तो आकाश एंड आशीष शार्क टैंक पे आपका स्वागत है थैंक यू अनिता तो रायपुर के बारे में कुछ बताइए मैं कभी वहां मतलब आई हैव नेवर बीन टू रायपुर रायपुर इज बेसिकली अ स्टील हब बड़े बड़े स्टील प्लांट्स है वहां पे हम भी स्टील प्लांट से आते हैं हमारा बैकग्राउंड भी स्टील का है बट जब ये बिजनेस चालू किया रायपुर में सभी को लगता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं स्टील छोड़ के ये कैसे कर सकते हैं बहुत बढ़िया अच्छा एक बात बताइए मैं तो काफी कुकिंग करती हूँ स्पेशली जब अमेरिका जाती हूँ हर एक के लिए मेरे एक अलग पसंदीदा मसाला होता है तो इतने क्लटर्ड मार्केट में आपकी हिम्मत कैसी हुई घुसने की मार्केट बहुत बड़ा है आप पुणे में बैठे हैं आप वो तीन मसालों को देख रहे हैं तमिलनाडु वाला आची को देख रहा है छत्तीसगढ़ में कोई एमडीएच को देख रहा है आपको बड़ा पता है मसालों के बारे में पुणे में बैठ के क्या बोलूं अरे हर एक मसाले के मैं नाम बताती हूँ अब बताओ मैम चार चार मसाले बताइए आप भाई साहब इधर आओ क्या मजा आ गया सुन के तुम तक कॉन्फिडेंस लेवल क्या हाई है बताइए चार मसालों के नाम भगवान बताइए चार मसाले बताओ चार का नाम लेते हैं आप चार लीजिए चार ज्यादा यूज नहीं किए होंगे हाँ, परंपरा इज बेसिकली महाराष्ट्र बेस्ड पुणे उसी बेल्ट के लिए तो मैं तो परंपरा यूज करती हूँ ठीक है बट आंसर इज राइट अच्छा परंपरा किचन किंग इज नॉट ए मसाला मैम अरे मैं बताता हूँ आपको चार जॉफ 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 एंड बात यस ये बेस्ट है आपकी जर्नी के बारे में बता रहे थे कि स्टील प्लांट का बैकग्राउंड होके आप मसालों में कैसे आपने प्रवेश किया मैम आई वाज स्टिंग एमडीएच का मैं प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा 2018 में अच्छा पता चला 900 करोड़ टर्नओवर में दे आर अर्निंग 400 करोड़ नेट प्रॉफिट क्योंकि इसका मार्केट बड़ा है ग्रॉस मार्जिन हाई है और प्लेयर जो है ऑलरेडी सब रीजनल में बैठे हुए हैं तो उसके बाद जब ये हमने स्टार्ट किया मतलब जर्नी मसाले का तो वेरी फर्स्ट डे से जो एक अप्रोच रखा था जहाँ पर ये सारे ट्रेडिशनल प्लेयर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं वो ऑनलाइन सेलिंग का उसके बाद जो हमारा बिजनेस बड़ा है हमने लगभग अगर 3 साल की बात करें तो ऑनलाइन में लगभग 400% का ग्रोथ किया और लास्ट मंथ 4.5 करोड़ का माल ऑनलाइन बेचा है लास्ट मंथ क्या 4.5 करोड़ का माल ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.5 करोड़ का टोटल लास्ट मंथ का टर्नओवर हमारा 7 करोड़ का है क्या बात है अमेजिंग उम्र क्या सर 35 साल 36 साल वेरी गुड यार मतलब सॉलिड अमेजिंग गुड जॉब गाइस थैंक यू सर बोलती बंद कर अच्छा लेकिन आपने ही बताया कि रीजनल प्लेयर्स ज्यादा है तो आप पैन इंडिया पहुंच गए कि आप भी थोड़े रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है मैम ऑनलाइन प्लेयर को चाहिए कोई हमको प्रॉम्प्ट डिलीवरी करे एवरेस्ट एमडीएच उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे उनके लिए क्या उनका 2200 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से ऑनलाइन उनके लिए सेकेंडरी चीज है अगर एमडीएच को मैम आज डिमांड भी आ रहा है तो एमडीएच एक्सपेंशन नहीं कर रहा है 1200 करोड़ से 1700 करोड़ जा सकता है लेकिन नहीं चाहता है भाई एक बात बताओ एमडीएच वाले अंकल ने आपको कुछ किया था नहीं उसे लग रहा है मुझे आपने कसम खा ली कि मैं इसका प्रॉफिट लेकर आऊं हां डन है सर हौसले तो है सही तो है कह तो रहा है धंधे से ग्रॉस मार्जिन निकाल रहा है हां मैं देखूं तो सही ऐसा क्या कर रहा है वो आदमी 50% प्रॉफिट निकाला था ये बनिया मारू दिमाग चलेगा ना 50% कर क्या रहा मैं क्या करूं कि मैं पहुंच जाऊं 5-7 साल में इस जगह में मजा आ गया भाई से मिलके आपसे आप अपने प्लांट का कुछ वीडियो दिखा सकते हो आपने जो प्लांट बताया प्लांट का है सर पहला है कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी ये मतलब क्राइजोनिक का नीचे वर्जन है क्राइजोनिक वी बेसिकली यूज इन फार्मा पीसने के लिए लेकिन वो मसाले को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हम नाइट्रोजन नहीं डालते
हम उसको एयर में जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें पिसाई करते हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशन और सब सही रहता है। दूसरा है नो डस्ट सिस्टम, नो हैंड टच। प्लांट में एक बार आपने माल डाल दिया तो हैंड टच नहीं होता है, सीधा पैक हो जाता है। फिर सेवन स्टेज क्लीनिंग सिस्टम, बेसिकली रॉ मटेरियल है जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर लाते हैं, पीस देते हैं कोई भी माल को पकड़ के, लेकिन कोई भी चीज़ अगर धरती से निकलती है तो उसका डस्ट भी आता है, पत्थर भी आता है, भूसा भी सब कुछ आता है, वो सबको पीस देते हैं। रोस्टिंग फैसिलिटी प्रॉपर है, मतलब कुछ कुछ मसालों को एरोमा देने के लिए यू हैव टू रोस्ट, लाइक जीरा को रोस्ट करना पड़ता है। खुद का इन हाउस कोल्ड स्टोरेज है जहाँ सब रॉ मटेरियल आके स्टोर रहता है। बहुत बढ़िया प्लांट है। कितना बड़ा प्लांट है सर? प्लांट 3 एकड़ में है और 40,000 स्क्वायर फीट में पूरा प्लांट। कितने लोग काम करते हैं उसमें? 200 लगभग। प्लांट पे खर्चा कितना हुआ? लगभग 20 करोड़ के आसपास। 20 करोड़ के आसपास? आपके प्रोडक्ट के सैंपल्स दिखाएंगे आप? जैसा कोविड में लॉन्च किया था हमने। अच्छा, ये क्या है? हल्दा अमृत सर। हल्दा मतलब? हल्दा अच्छा, मतलब हल्दी। और दूसरा दिखाओ। स्मेल कर सकते हैं सर फूल के इसको? अभी नॉर्मली प्राइस क्या होता है आपका? जो नॉर्मल है दैट्स एट पार विद एवरेज का जो है मार्केट का जो प्राइस है उसके साथ कंपेयर। हाँ, उसी के साथ ही, क्योंकि ही इज द लीडर तो उसके आसपास ही हमारा प्राइस है। ठीक है, टोटल आपने बिजनेस में अपने पैसे कितने लगाए? हमारा करीब इसमें 30 करोड़ रुपए लग चुका है। 20 करोड़ के आसपास का टर्म लोन है एंड वर्किंग कैपिटल है 8 करोड़ का हमारे पास। तो आपने 60 लाख का इक्विटी करा है जिसमें 12.5 करोड़ इक्विटी है और लगभग 17-17.5 करोड़ अनसिक्योर्ड लोन है। हमारा ही पैसा, सारा पैसा पापा ने ही दिया। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 60 करोड़? 60 करोड़ लगभग। पिछले महीने आपने कितना प्रॉफिट कमाया? हमारा प्रॉफिट होगा 70-80 लाख के आसपास। और इस साल का क्या प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए? इस साल भी लगभग हम 5 करोड़ के आसपास ही हमारा प्रॉफिट जाएगा, 5-6 करोड़ के आसपास। देखिए, आप दोनों भाई कंपनी साथ में चलाते हैं, क्या क्या संभालते हैं? सर मैं देखता हूँ ऑनलाइन सेल्स और फाइनेंस, ये देखते हैं ऑफलाइन सेल्स और प्लांट का पूरा ऑपरेशन लेके लॉजिस्टिक तक, और मार्केटिंग हम दोनों साथ में मिलकर देखते हैं। और सीईओ कौन है? सीईओ का प्लान है, फिलहाल सीईओ नहीं है। किसी भी कंपनी में जब एक इन्वेस्टर आते हैं तो देयर इज हैज टू बी अ पॉइंट पर्सन जो उनके सब सवाल आंसर करेंगे। आपके करंट कंपनी में एक सीईओ क्यों नहीं है, ये आंसर कीजिए। अभी तक मैम सोचे नहीं कि सीईओ को रखना है। अरे कैसे सोचा नहीं, इन्वेस्टर आएगा तो किससे बातें करेगा? नहीं, उसके बाद सी अभी जो करेंटली हम यहाँ तक लेके गए हैं, हमने अपने हिसाब से जो हम कर सकते थे वो हमने किया, एक लेवल तक पहुँचाया। मुझे लगता है ये सब सारी वाहियात बातें, मुद्दे की बात पे आते हैं। आप सिर्फ मार्केटिंग के लिए आए हो और किसी के लिए नहीं आए हो। दो सर, मैं बताता हूँ क्यों। अभी ठीक करते हैं ना, हिसाब पूरा ठीक करते हैं, ठीक है? आपके पास 50 करोड़ का लोन है। 50 करोड़ है बैंक का, 27, 30 करोड़ का आपका खुद का है। 50 हो गया ना, पापा का पैसा लगा हुआ है ना। हाँ। आपका प्रॉफिट हर साल का 5 करोड़ है, आप 200 करोड़ मांगने आ रहे हैं। अगर 50 करोड़ भी लगाता हूँ तो मेरी इक्विटी कब फ्री होती है? जब 10 साल के बाद आपका लोन खत्म होता है। मेरी बारी तो लास्ट आएगी लोन उतरने के बाद, तो मेरे पैसे बनेंगे कैसे भाई? आप आए ही नहीं हो इन्वेस्टमेंट के लिए, आप सिर्फ मार्केटिंग के लिए आए। मैं एक्सपर्टीज के लिए आया। अगर हमको मार्केटिंग के लिए आया था, पैसा वीसी से भी आ सकता था, बैंक से भी हम लेके आ जाते। बॉस आप नहीं समझ रहे हो, आपका डेट और इक्विटी रेशियो बराबर नहीं है। आपका डेट जब तक उतरेगा नहीं मेरी इक्विटी की बारी नहीं आएगी, आपका सिर्फ आपका इक्विटी लगा हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट का अर्थ होता है लोन जो कंपनी ने लिया है, इक्विटी यानी कि फाउंडर्स ने कितना पैसा कंपनी में डाला है, इसके रेशियो को डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। सारे बैंक इस रेशियो को देखकर ही आगे लोन देते हैं। सर आप आज 60 करोड़ की सोच रहे हो। हाँ। 2 साल बाद 200 करोड़ का धंधा कर रहे होंगे। कैसे करो? आप 100 से 1000 करोड़ पहुंचाए हैं, अमन भी जानता है, आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। बस 100 करोड़ पहुंचना टफ होता है, उसके बाद सही गाइडलाइन, सही मार्केटिंग की जाए। 100 से 500 करोड़ पहुंचना टफ नहीं होता, और फिर 500 से 900 करोड़ पहुंचना टफ नहीं होता। धंधा आपको चलाना है, स्ट्रेटजी आप बताओ। हमारा नहीं आया पर बढ़ेगा धंधा। सर अपना सिंपल स्ट्रेटजी है, जाइंट्स के ऊपर राइड करना है। फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले लिस्टिंग किया 2020 में, आज 5 लाख से चालू हुआ जर्नी 2 करोड़ पहुंच चुका है। दे हैव गिवन मी द प्रोजेक्शन ऑफ 5 CR इन नेक्स्ट 3 इयर्स। क्रेडिट्स 1 साल पहले बिग, 5 करोड़ इन 3 इयर्स, राइट? 5 साल का मंथली टर्नओवर सर। चलिए आपको मैं ऑफर करता हूँ, कंडीशनल ऑफर, 1 करोड़ 2%। लेकिन मेरा कंडीशन ये है, आपका जो 18 करोड़ जो लोन है वो कन्वर्ट होगा इक्विटी, तभी ये ऑफर स्टैंड होता है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है, अगर उस पर आपने एक दिन भी ब्याज दिया
तो मैं मेरे पैसे ले जाऊंगा वापस. सो दैट्स माय ऑफर. मेरे दो सवाल हैं. अगर आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो किसका डिसीजन फाइनल होगा? देखिए, अगर कंपनी अभी ऐसी चल रही होगी, मानो हम लोग रन कर रहे हैं, तो चीजें हमको देखना पड़ेगा कैसे होगा. लेकिन कोई भी आता है. नहीं नहीं, आप इतने सिंपल सवाल का लंबा जवाब दे रहे हो. भाई बोल दे यार, कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है. बड़ा कौन है? मैं बड़ा. तो मेरा मेरा फाइनल. चलो बड़ा आपका चले, ठीक. वो अग्री नहीं कर रहे. पर दूसरा सवाल ये है, आप मार्केट में फंड रेजिंग का ट्राई कर रहे हो, कितना बड़ा राउंड रेज करना चाहते हो? गुड क्वेश्चन. 100 करोड़ के बाद. अभी बैंक में कितने पैसे हैं? बैंक में अभी 1 करोड़ रुपया. 1 करोड़. वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा हुआ? सब मिला के 10-11-12 करोड़ के आसपास है. 10-11-12 स्टॉक, एफजी, डेट सब मिला के. चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ 1 करोड़ 2% सेम नो कंडीशन. बोल. मैं आपको ऑफर देती हूँ 50 लाख 0.75%, तो इनसे बेटर वैल्यूएशन, और 50 लाख डेट. मेरी बात सुनिए, और मैं ऑफर लेके काफी देर से बैठा हूँ, आप एकदम कंफ्यूज लग रहे हैं, इसलिए मेरा ऑफर डन. आई एम आउट. ऐसे भी ऑफर यूजलेस ऑफर था, इग्नोर करो. ये ऑफर काम का था भी नहीं. हाँ, वैसे ही आप रिजेक्ट कर देते, हमें पता है. मेरा डिसीजन है कि मैं आउट हूँ, और मैं आपको प्राइमरी रीजन बताती हूँ. फॉर मी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये सीईओ का डिस्कशन. मैं कब से देख रही हूँ आप इतना ओवरलैप कर रहे हो, और इतना मतलब कंफ्यूजन हो रहा है. फॉर दिस रीजन आई एम आउट. आपके फादर का क्या काम है, कितना बड़ा काम है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, मतलब पावर प्लांट, स्पॉन्ज आयरन, फर्नेस. कितना प्रॉफिट बनाते होंगे आप वहां पर? सर 30 करोड़ लास्ट ईयर. 30 करोड़ का, तो आप काफी वेल टू डू फैमिली से आते हैं. दैट्स अ पार्टनरशिप फर्म आल्सो, दो पार्टनर्स भी हमारे साथ हैं उस बिजनेस में. फादर ने क्यों नहीं बोला कि आप उनके बिजनेस को ज्वाइन करो, या आपने उनको मना कैसे किया? पापा ने पहले से ही देखा स्टील हमको किक नहीं देता. स्टील एक रीजनल बिजनेस तक सीमित है. गवर्नमेंट डिसीजंस पे, गवर्नमेंट पॉलिसी आया, डिसीजन चेंज. आपको ना डिसीजन लेना पड़ेगा. लेते हैं अमन, इतना जल्दी मत मचाओ. बात तो करने नहीं दी आपने मेरे को, आप ही बोलते रहे. आप समझ ही नहीं पाते बिजनेस से, हम क्या करें. वैल्यूएशन तो आप गलत देते हो हमेशा. सीधी सीधी बात करते हैं, आप लोग का मेरे को बहुत ही अच्छा लगा केमिस्ट्री, और काफी पैशन लगा. डिसीजन मेकिंग के लिए एक सीईओ बनाना पड़ेगा आपको, बहुत क्रिटिकल है. जरूरत नहीं. अमन ने आपको सबने जो दिया है उससे बेटर ऑफर है मेरा. 1 करोड़ रुपए डालूंगा जो आपको चाहिए. 1.5% चाहिए मेरे को. 1 CR फॉर 1.5%. सेम मैच किया इन्होंने विनीता का वैल्यूएशन. अब रोज मेरी ऑफर. पर मैंने डेट नहीं डाला ना, आप डेट डाल रहे हो. 2 मिनट बाहर बात करना. हाँ बिल्कुल करिए. हाँ एक और वन तो बाद में रोहन को पॉइंट सेंटर को नहीं करेंगे. एक और पॉइंट सेंटर बोलिए. 1% बोलिए. डिसीजन दीजिए आप. इसको से थोड़ा सा ठीक करते हैं ऑफर को, मतलब बताओ. तो उसको 1.75% में. सर मेरा ऑफर सभी के लिए, सभी साक्ष के लिए. तो आप मतलब इधर क्यों नहीं देखना जा रहे हैं, मेरे और विनीता की तरफ? आप वहीं क्यों देखे जा रहे हैं आप? वो बहुत अटेंशन सीकिंग है ना, तो इसलिए. यार 1.75 करोड़ मेरे लिए तो थोड़ा कम हो जाएगा, वैल्यूएशन पे ज्यादा थोड़ा बहुत आप. हम तीनों मिलके शायद सोच सकते हैं, पर आई थिंक 1 करोड़ 1% से कम तो नहीं. तीनों मिलके नहीं करे, 0.25% का फायदा क्या लेने का. मैं आपको लास्ट ऑफर देता हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं लेना होगा मना कर देना, वरना मैं मना करूँगा. 1 करोड़ 1.25% फाइनल ऑफर. यस और नो? डील डन सर. यस. आपने मौके नहीं दिया हमारे को ऑफर देने का. वाओ. आप अमन को लेने आए थे क्या? Shark Tank Season 1 में रणदीप साह और विजय कुमार लेकर आए अपनी हैंडीक्राफ्ट ब्रांड रेड प्लैनेट, जिसका विजन सुनकर चाक नमिता हुई इंप्रेस. मैं आपको एक ऑफर देना चाहूँगा.
एयरपोर्ट में है, एक तो नमिता माँ का शहर है और हमको पुणे में खोलना ही था, तो आज माँ खुद आ रही है इनॉग्रेशन पे और मैं बहुत खुश हूँ। बुल्लट पेंट करते करते स्कूल्स में स्टॉल्स रखते, अभी देखो 32 स्टॉल्स हो गए उनके। शार्क टैंक ने हमें एक नई उड़ान दी। कोई एयरपोर्ट में हम लोग पहले जाके इंट्रोडक्शन देना चाहते थे, आज उसी एयरपोर्ट में हमको कॉल आता है दैट आप हमारा एयरपोर्ट में क्यों नहीं खोल सकते। हम लोग महीने का कुछ 75 लाख कर रहे थे, आज के रेट पे हम लोग 3.5 से 4 करोड़ के बीच में हम लोग कर रहे हैं। This has taught common man, common woman of India to dream big. बड़े सपने देखो। Shark Tank से पहले हमारे साथ कुल 4.5 से 5 हजार कारीगर थे, आज हमारे साथ करीबन 15 हजार कारीगर काम कर रहे हैं। जब से हम लोग अपना आर्टिसंस के साथ में जुड़े हैं, उनको 12 महीने का हम लोग काम दिया। पहले बनाते थे महीना का 10 हजार, अभी महीना का 40 से 50 हजार बना के देते हैं। आज वो 15 हजार कारीगर जिनके लाइफ में हम वो इम्पैक्ट ला पाए हैं, वो सक्सेसफुल बने हैं। और हमें सिर्फ यहाँ नहीं रुकना है, ये 15 हजार को 1.5 लाख बनाना है, जब हम 1.5 लाख कारीगरों का जीवन को संवर सके। रौनदीप में सभी वो खूबियां हैं जो मैं एक फाउंडर में ढूंढती हूँ। 6 से 7 महीने में सेल्स, स्टोर्स, नंबर ऑफ कारीगर्स इंपैक्टेड, सब में उन्होंने इतना बड़ा इंपैक्ट दिखाया है। आई फील वेरी प्राउड। हमारा बचपन का समय था बड़ा सुहाना, तरह तरह के खेल थे, हमारे पास था उनका खजाना। इनसे हमें काफी कुछ सीख मिलती थी, जैसे पानी में चलने वाली पुटपुट नाव जो थी वो हमें साइंस की प्रिंसिपल सिखाती थी। सही है। क्लासिक गेम्स जैसे पच्चीसी, चौका बारा, नव कंकारी, ये सारे हमें स्किल्स सिखाती थी, जैसे लॉजिक बिल्डिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स। पर अगर आप आज के बच्चे देखें तो वो उनका मनोरंजन काफी हद तक गैजेट से बिताते हैं। उनके स्किल्स अफेक्ट हो रहे हैं और यही उनके स्किल्स डेवलप करने के लिए और क्लासिक टॉयज को रिवाइव करने के लिए हम ले आए हैं देसी टॉयज। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम स्वप्ना वाघ है और मैं मुंबई से हूँ। देसी टॉयज एक इंडियन टॉय ब्रांड है जो ये टाइमलेस कलेक्शन वापस ले आ रही है और उसमें दे रही है एक इंडियन टच। हमारे पास है दशावतार सांप सीढ़ी, महाभारत पच्चीसी, रामायण चौका बारा और कई ऐसे खेल। हम इंडियन आर्टिसंस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स 100% इंडिया में बनते हैं और ये सारे ही लैब टेस्टेड है, जो एश्योरेंस देती है क्वालिटी और सेफ्टी की। फिलहाल आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, Flipkart, फर्स्ट क्राई से ले सकते हैं, या फिर Hamleys, Toys R Us, Landmark, बॉम्बे स्टोर जैसे स्टोर से ले सकते हैं। देसी टॉयज हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर टॉय ब्रांड बनाना है। इस मंच पे मेरी आस्क है 50 लाख फॉर 3% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, मेरे साथ जुड़ जाइए ये बचपन के खेल पिटारे को दोबारा खोलने। थैंक यू। ये सारे खिलौनों से मैं खेला हूं बचपन में, सारे। वो किचन सेट के साथ भी खेले आप? मेरी सात सिस्टर थी कजन और हम लोग एक जॉइंट फैमिली थे, तो सब साथ में खेलते। नाइस। सपना जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। आपकी हिस्ट्री बताइए जरा, कहाँ पढ़ाई की? मैंने MBA किया है विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम मुंबई और मैंने रिटेल स्पेशलाइजेशन किया है फ्रॉम IIM कलकत्ता। अच्छा। जब
जब आपने सोचा मैं ये स्टार्ट करती हूँ तो शुरुआत कैसे की, कैसे फिगर आउट किया? तो काफी रिसर्च की और तभी हमने ये जाना कि आर्टिसंस है उनके पास एक क्वालिटी की इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि इंडिया में चलता है एटीट्यूड बहुत कॉमन है। तभी हमने ये डिसाइड किया था कि हम क्वालिटी में कोई भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और सारे टॉयज 100% इंडिया में ही बनाएंगे। बहुत अच्छा, दिखा सकते हैं हम कुछ सैंपल? देख सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी, श्योर। नमिता फुट फुट नाव चला नहीं है क्या? आप उसे बोट बोल सकते हो, थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी। लट्टू चलाएंगे। मैं लट्टू को लेके बहुत लट्टू हुआ करता था। चला भाई, हाथ में चला। ये क्या है? स्किपिंग रोप है? कप एंड बॉल। ये क्या है? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा, वाओ। दिस इज प्लास्टिक? नथिंग इज प्लास्टिक। चलो अमन बोट चलाते हैं। आया, देखिए आज मैं बोट में आधा पार्टनर हूं। इसको ये पाइप में पानी भर देंगे? भर देंगे। I'm almost there. Epic reaction. स्किपी के पिच में स्वप्ना हम बच्चे हो गए थे और दूसरे आपके पिच में बच्चे हो रहे हैं। दोनों में नॉस्टैल्जिया फील है। ये बेबी, नॉट बैड ब्रो, नॉट बैड। भाई मेरे को तो मजा आ गया ये खिलौने देख के आपके, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बचपन फील हो रहा है मेरे। मन कर रहा चलाऊं बच्चों के साथ जाके। आजा कैच करेगा? आजा। आर यू रेडी? चल मेरे पास, मेरे पास आज आज मार मार मार। लास्ट ट्राई। अयो क्लोज। चली 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 चली। ये बहुत ही सुंदर लगे। ये डिजाइनिंग किसने करी इसकी? डिजाइनिंग हमारी खुद की टीम ने की। खुद की टीम करती है आपकी? बहुत ही सुंदर लगे। अच्छा सपना जी, अब बताओ जरा आपकी सेल्स का क्या हाल है? जून 2017 में हमने ये प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की थी, तभी हमारी सेल थी 40 लाख, फिर हमारी सेल हुई 60 लाख, फिर 75 लाख, फिर कोविड की वजह से हमारे 3 महीने के लिए बंद थी, जिसमें हमने की 61 लाख और लास्ट ईयर हमने की 1.15 crore। Nice. पिछले महीने कितना है? 20 लाख थी। कितना करोगे पूरे साल? 2.5 crore तक आराम से कर लेंगे। मार्जिन भी बता दो, अपने सेल तो बता ही दिए, थोड़ा धंधा भी समझा दो। B2B बिजनेस से हमारी 80% सेल आ रही है, हमारी 3% आ रही है D2C से और मार्केट प्लेसेस से आ रही है 17%, क्योंकि हमारी सेल काफ़ी B2B से आ रही है। क्रॉस मार्जिन पूरे बिजनेस के लिए है करीबन 50%, पर D2C और मार्केट प्लेसेस में हमारी 65% to 70% तक ग्रॉस मार्जिन। आपका प्रॉफिट क्या था पिछले महीने? 3.6 लाख थी, 18% नेट प्रॉफिट। नॉट बैड, नॉट बैड। आपको नहीं लगता कि ये 500 के लिए थोड़ा महंगा है? हम लोग सेल कर लेते हैं उसको। देखो बिक तो कुछ भी जाएगा, 1000 रुपए में बिक जाएगा, लेकिन कितने लोग खरीद लेंगे पूछने का ये मतलब है। तो हमारी रेंज 199 से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 3999। जो ये ब्रास किचन सेट दिख रहा है वो 3999 की है, पर हमारी ASP है 500 रुपीज तक। पर चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है? ये टॉयज जैसे जैन साहब के बचपन में उन्होंने बहुत खेले, फिर उसके बाद आजकल के बच्चे इन्हीं के बच्चे नहीं खेल रहे, तो आजकल क्यों नहीं बच्चे ये सब यूज कर रहे? पोस्ट लिबरलाइजेशन काफी सारे इम्पोर्ट्स आने लगे चाइना से और चीप टॉयज होते थे एंड इंडियन कस्टमर्स ज्यादा करके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, जो यू नो चीप प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद करते थे, तो ये टॉयज बनाने में थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती थी, तो जो मैन्युफैक्चर करते थे ये लार्ज अमाउंट में, ये कम हो गए, इनफैक्ट काफ़ी सारे तो बंद हो गए। तो जब भी बच्चों को ये गेम्स मिलेंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो खेलेंगे भी नहीं। नहीं बट स्वप्ना, इज योर कॉम्पिटिशन चीपो प्लास्टिक मे बी चाइनीज टॉयज, के आपका कॉम्पिटिशन है गैजेट फोन्स यू नो टेलीविजन? गैजेट्स भी है, पेरेंट्स आर रियलाइजिंग दिस, they know that you know physical play is very very important for the growth and development. usme to bahut sare jaise aajkal montessori toys aate hain, ek last season mein humne bhi ek company mein invest kiya tha, hero toys, bahut acha kar rahi hai,
प्लस वो लेगो मैग्नेटाइज, मतलब बहुत चीजें हैं ना बच्चों के खिलौने। मार्केट काफी एक्सपैंड हो जाता है देसी टॉयज से निकलते ही, क्योंकि आपका पैशन तो दिख रहा है क्लियरली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या है इस के लिए। इशू मेरे को सिर्फ लगता है विजिबिलिटी की इशू है, क्योंकि अभी जब भी हमारा ऑफलाइन स्टोर्स जैसे हैमलीज जैसे स्टोर्स, वी स्टार्टेड विद जस्ट 15 स्टोर्स अर्लियर, फिर वो गया 40 स्टोर्स में, अभी उनकी रिस्पांस बहुत अच्छी है तो उन्होंने अभी हमको 80-85 स्टोर्स में कर दिया। चिंता का विषय यही है कि मान लो 40-80 स्टोर पे पहुंच गए, सेल उसके बाद बहुत कम नहीं लगती। वी आर ग्रोइंग बाय ऑलमोस्ट 100% सर, बट ऑन अ स्मॉल बेस। आई फील कि ये एक बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है विद टू मेनी प्लेयर्स, इसे स्केल करने में बहुत चैलेंजेस हैं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। जो टॉयज आप आज बेच रहे हैं, ये एक नॉस्टैल्जिक प्रोडक्ट्स को लेके आप बेच रहे हैं जो कोई भी कॉपी कर सकता है और सस्ते में कर सकता है एक बार डिमांड एस्टैब्लिश हो। दूसरी बात यह है कि मार्केट बहुत छोटा है जो हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन तीन शार्क अभी भी हैं। Hopefully you'll get a deal. अपना वो जो एक स्किल चाहिए इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, वो अवेयरनेस करने के लिए, मुझे लगता नहीं है आपका वो कोर स्ट्रेंथ है। आपका कोर स्ट्रेंथ है अच्छे प्रोडक्ट बनाना एंड रिटेल, तो इसके बिना ये नहीं ज्यादा स्किल कर पाएगा, शायद 4-5-10 crore का बिजनेस बन जाएगा। तो अभी मैं आउट हूँ, बेस्ट ऑफ लक। देखो आपने हमारे अंदर का बचपन तो जगा दिया, मजा आया टॉयज वॉयज खेल के देख के, बट जैसे मुझे लग रहा है ना ये मार्केट में एक लेवल के बाद ग्रोथ हमें थोड़ी टफ हो जाएगी, सो मैं भी आउट हूँ। मैं समझ चुका हूँ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, हैमलेस पहुँचाना इतने दुकान इम्पॉसिबल होता है एक नई ब्रांड, तो ये तो मैं समझ में आ गया कि आप फाउंडर अच्छे हो, परसिस्टेंट हो, फाइटर हो, तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, पर मैं इस बिजनेस के लिए नहीं दूंगा। ये जो बिजनेस है साइड पार्ट रहेगा, ये दिस कांट स्केल मेरे लिए। अगर आप ओपन हो कि ऐसे और तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नए ब्रांड्स में जो कि इसका इस दायरा एक्सपैंड करेगा, तो आप में वो दम है मेरे हिसाब से। मैं आप पे पैसा लगा रहा हूँ, इस बिजनेस पे नहीं लगा रहा। तो मैं आपने 50 लाख की डिमांड करी थी, मैं 30 लाख इन डेट, 20 लाख इन इक्विटी, और मेरे को 20% इक्विटी चाहिए, 20% 1 crore की वैल्यूएशन। हाँ मैं बता रहा था आपको हेल्प करने। मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स भी लाता हूँ, विजन खोल देता हूँ, स्ट्रैटेजी में हेल्प कर देता हूँ, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा खुद का ग्रोथ के लिए। दिस इज अमेजिंग, मुझे नहीं लगता था कि आपको ऑफर मिलेगा, तो सोचिए इसके बारे में और जल्दी जवाब दीजिए। सर मेरे को एक और एक चीज पूछनी थी कि आप जो बिजनेस के लिए मेरे को नहीं उसको क्लियर करते हैं, गाड़ियों का बिजनेस नहीं करवाएंगे, वो टॉयज का ही बिजनेस। टॉयज के बिजनेस कह रहा हूँ जिसमें आप अपने स्किल यूज करें, पर ये देसी टॉयज बहुत छोटा दायरा कर रहा है अपने बिजनेस। You'll have to have enter new category. एक और आएगा funky toys जिसके अंदर नहीं not funky toys का नाम होगा toy, देखो नाम आप चूज करना, मैं आपको नाम के लिए फोर्स नहीं करूँ। अब इनकी क्यों सुन रहे, वैसे आउट है मैं बचाऊँ, आप मेरे से बात करो। नहीं तो हमारा फर्ज है। हाँ अपना फर्ज निभाइए, आउट होके इक्विटी ध्यान से है। नहीं मतलब मैं तो बस सर, हाँ मुझे ये वैल्यूएशन बहुत कम लग रही है ऑनेस्टली। हम ऑलरेडी 2.5 crore ये साल में कर लेंगे, कैन वी डू 20 lakhs फॉर 5% बहुत ही गैप में है, सब बड़ा गैप, बहुत बड़ा गैप है, नहीं हो पाएगा, मैं छोटा मोटा कवर कर लेता। आपने बिलीव किया अपने कि वैल्यूएशन इतनी नहीं लगानी। वेरी हैप्पी फॉर यू दैट कॉन्फिडेंस आप में बहुत आई है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आजकल जिसे देखो फ्यूचर की बातें करता रहता है, NFT, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स। पर है क्या ये मेटावर्स? मेटावर्स एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है
जिसमें रियल वर्ल्ड रियल टाइम सिनेरियोस को 3D में कन्वर्ट करके एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाए। मेटावर्स में आप गेम्स, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स, वेडिंग्स, मीटिंग्स ही नहीं, आप अपना पूरा बिजनेस भी 3D में चला सकते हैं। ये पिच भी मैं मेटावर्स में दे सकता हूं। मेरा नाम युवराज तोमर है और मेरी कंपनी क्लाउडवर्क्स है। क्लाउडवर्क्स एक ऐसा नो कोड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी कंपनी का 3D और मेटावर्स ऐप बना सकते हैं बिना कोई कोड लिखे। जी हाँ, क्लाउडवर्क्स के साथ 3D ऐप बनाना इज एज इजी एज मेकिंग अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। आप अपनी कंपनी का 3D मॉडल यानी एक डिजिटल ट्विन बना सकते हो और उसमें हो रहे सारे की एस्पेक्ट्स को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हो 3D में, और उसके बेसिस पे जो डेटा पे एक्शन लेना है वो आप दुनिया में कहीं से भी बैठे बैठे ले सकते हो। जैसे नमिता, आप 14 फैक्ट्री संभाल रही हैं, उनको मैनेज करने के लिए आपको कितने सारे ग्राफ्स, चार्ट्स और डैशबोर्ड देखने पड़ते होंगे। उस डेटा पे फिर एक्शन लेने के लिए आपको लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है और कभी कभी तो फिजिकली खुद भी प्रेजेंट होना पड़ता होगा। ये प्रॉब्लम सारे बिजनेसेस फेस कर रहे हैं। जैसे नमिता, आपका 3D ऐप जो होगा एंटरप्राइज मेटावर्स का, वो कुछ इस तरह का दिख सकता है। आप इसमें सिर्फ अपनी कंपनी का ही 3D मॉडल नहीं, आप अपने कंज्यूमर्स के लिए भी एक ब्रांड एक्सपीरियंस मेटावर्स बना सकते हैं। जैसे अमन, आप बोट के लिए एक बोट स्टोर और एक बोट म्यूजियम बना सकते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, जो कुछ ऐसा दिख सकता है। आपके कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट्स 3D में एक्सप्लोर करके वहीं पे खरीद सकते हैं। आज तक फिनिश गवर्नमेंट, स्पैनिश गवर्नमेंट और बड़े बड़े यूरोपियन और इंडियन क्लाइंट्स माया प्रोडक्ट यूज करके अपना मेटावर्स बना रहे हैं। ये जो 3D डेवलपमेंट और मेटावर्स डेवलपमेंट लोगों को एलियन की तरह लगता है, हमारा विजन है कि हम इसको सिंपल और एक्सेसिबल बनाए। हमारी आस्क 40 लाख फॉर 2% इक्विटी है। So sharks, think 3D, think CloudWorks. Namaste. Namaste. Welcome to Shark Tank. युवराज, बहुत बढ़िया पिच थी आपने। नमिता को डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की तरफ प्रेरित किया है। आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, उसकी थोड़ी जर्नी बताइए मेरे को। पढ़ाई मेरी थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, टेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़िया कॉलेज है। हाँ जी। 2011 में मैंने ग्रेजुएट किया था IT स्ट्रीम से। उसके बाद मेरा पहला कॉर्पोरेट स्टिंट था गूगल में थ्रू गूगल समर ऑफ कोड, एंड देन मेरा नेक्स्ट कॉर्पोरेट स्टिंट था सिस्को में। सिस्को में मैं 1.5 साल काम किया, एंड देन इन दिसंबर 2019 मैंने ऑफिशियली क्लाउडवर्क्स इनकॉर्पोरेट किया। आपने जैसे बताया मेरे पास 14 फैक्ट्रीज है, yes. And they are all over, अमेरिका से लेके जम्मू से लेके सब जगह। Exactly, yeah. आप मुझे एकदम सरल तरीके से as a layman, laywoman बताइए exactly how will I benefit? Sure. So, मैं आपको एक visual example ही दे देता हूँ आपके एक फैक्ट्री को लेके। एक तो पहली बात, हम आपके पूरी फैक्ट्री को एक 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, जो आप बिल्डिंग्स का, आपके डिफरेंट डिवाइसेस का, एलिमेंट्स का जो भी डेटा है आप एक ऐसे 3D हीट मैप में देख सकते हैं। So, heat map के सारा का सारे डेटा फेच करके आपको एक व्यू में दिखाएगा कि आपकी पूरे फैक्ट्री के साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस लुक में आप देखेंगे कि मेरी बिल्डिंग का बॉटम साइड इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी देन द टॉप साइड, क्योंकि इसमें हमने एनर्जी और CO2 की मैपिंग बना रखी है। आप इसमें बिल्डिंग के फिर अंदर भी जा सकते हैं, आप बिल्डिंग के अंदर जाके देखिए वो कौन सी दो मशीन्स हैं, कौन सी कुछ मशीन्स हैं जो मेरी एनर्जी को ले रही है कंज्यूमिंग। सो नॉर्मली में लेट्स से आपने डिसाइड किया ये दो रोबोटिक आर्म्स हैं जो आपको ऑफ करनी है, सो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहीं से ही पावर ऑफ भी कर दीजिए, और जिस रोबोटिक आर्म को सेलेक्ट करके ऑफ करेंगे वो फिजिकली वहां पे भी ऐसे पावर ऑफ हो रही है। इस पूरे प्रोसेस में जो आपको डिसीजन लगा कि मेरी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कुछ इनसाइट लेनी थी और वो एक्शन लेना था, आपने 5 मिनट में ले लिया। तो वन इज एनर्जी मैपिंग, और क्या? इस केस में आप लोगों की प्रेजेंस भी सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कौन से एरियाज में कौन सी मशीन में लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंस हीट मैप बन गया। इन द एंड इट्स जस्ट अबाउट एडिंग अ सेंसर टू दिस 3D मॉडल। अगर हमें वो रेलेवेंट सेंसर मिल जाता है जिस सेंसर से हम वो इंफॉर्मेशन फेच करके इधर दिखा सकते हैं, वो 3D मॉडल की मैपिंग भी हम इस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर है,
लेकिन वो सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब ये सेंसर्स और रोबोटिक आर्म्स होंगे, विच इज हार्डवेयर. तो अगर मुझे आपका सॉफ्टवेयर चलाना है तो मुझे ये हार्डवेयर में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो फॉर मी मेरा टोटल कॉस्ट कितना बनता है और अगेंस्ट दैट उसका वैल्यू क्या है? We are talking about 100 machines, let's say $10 or $20 तक के भी एक्चुएशन सेंसर्स आते हैं. So that's $2,000 tops आपका जो हार्डवेयर कॉस्ट लग गया. तो फिर सॉफ्टवेयर का क्या कॉस्ट? तो सॉफ्टवेयर में डिपेंडिंग आपका फैक्ट्री का साइज और कितने एंड पॉइंट्स हैं, सो $5,000 पर मंथ से लेके $10,000 पर मंथ तक जाता है. तो जो कि सॉफ्टवेयर का एक रिकरिंग SDK लाइसेंस हो गया. ये तो बेसिकली 3D मॉडलिंग ही हुई ना. मैं इसको एंटरप्राइज मेटावर्स बोलता हूं. जैसे आपने हमारी शॉप दिखाई थी, उसमें उसके बाद कुछ उसके अंदर भी किया है? हाँ, नहीं तो उसमें आप जैसे आपके शॉप में आप पूरा एक्सप्लोर कीजिए, आपके सारे प्रोडक्ट्स आप इसमें देख सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट एंड यू कैन विजुलाइज इट इवन फर्दर. आप उसको और डिटेल में और पास से देखें, और जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू द बोर्ड स्टोर. फिर आप वहां से जाके इसी पूरी वेबसाइट वैसे खरीद लीजिए. जो ये लग रहा है ना, ये वर्चुअल स्टोर लग रहा है. वर्चुअल स्टोर को आपने मेटावर्स का नाम दिया है. वर्चुअल नहीं, 3D स्टोर. सारे ई-कॉमर्स स्टोर्स वर्चुअल ही होते हैं, वो बस 3D डायमेंशनल है. थिंग इज, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये जस्ट सॉफ्टवेयर से बनाया, दैट इज द प्रोडक्ट. द आउटपुट इज नॉट द प्रोडक्ट. ये जो नो कोड फ्रेमवर्क हमने बनाया जो आपको पूरी 3D कैपेबिलिटीज देता है, दैट इज व्हाट आवर USP इज, राइट? व्हाट इज नो कोड? नो कोड इज कि आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं, आपको कोडिंग आने की भी जरूरत नहीं है. जैसे ही आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ भी बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से आप पूरा एप्लीकेशन ऐसे बना सकते हैं. सो लेट मी शो यू द क्रक्स इन एक्शन. सो फर्स्ट स्टेप इज आपके डेटा एलिमेंट, आपके सेंसर्स हो गए. तो सेंसर्स आप एक तरह से फॉर्म की तरह ही ऐड कर सकते हैं. आफ्टर आपने सारे सेंसर्स का डेटा ऐड कर दिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज आपके प्रोडक्ट की लुक एंड फील, जो कि आपकी 2D और 3D की लुक एंड फील भी हम यूज कर सकते हैं. और आपने एक बार वो 3D मॉडल लिया है, देन उसके बाद नेक्स्ट है आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, विच आर वर्क फ्लोज. उन वर्क फ्लोज में आप इसके लिए अलर्ट्स क्रिएट कीजिए कि क्या होगा अगर मैं इस मशीन पे ऑफ प्रेस करूँ, क्या होगा मैं ऑन प्रेस करूँ, इसके कैसे कैसे चार्ट्स बनेंगे. आप वो सब वर्क फ्लोज भी ऐसे नो कोड एलिमेंट में इसमें पूरे क्रिएट कर सकते हैं. फिर फोर्थ स्टेप, अगर आपको अपनी लुक और फाइन ट्यून करनी है तो वो आप उस टेम्पलेट को रीयूज करके अपनी लुक भी और अच्छी बना दीजिए पूरे एप्लीकेशन की. And then comes the last step, which is publishing this entire application in multiple platforms. हम 18 platforms support करते हैं, जो कि आपको publishing capabilities one click में देती हैं. ये जो पूरे आपने application देखे, ये एक web browser पे run कर रहे हैं. इसके लिए ना ही कोई dedicated EXE, ना कोई dedicated Android iOS app download करने की ज़रूरत है मेरे को. So as Very long good. as आपके factory का कोई बंदा एक QR code भी scan कर ले, उसको भी ये 3D model अपने phone पे access करके पूरा दिख जाएगा. युवराज, अपना इनोवेशन क्या है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझाओ. इस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए आप टेक्निकल लेयर्स ऐसे समझिए. फर्स्ट लेयर इज द हार्डवेयर लेयर. हाँ जी, हार्डवेयर लेयर पे हमने प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व करे हैं, MQTT, HTTP, XML एंड इवन CoAP फॉर दैट मैटर, जो आपको सीधा प्लग एंड प्ले करके भी IoT सेंसर्स एक बार में बात करने लगेंगे. ठीक है, ये आपकी जो फर्स्ट लेयर है, ये कितने टाइप के डिवाइसेस से अभी इंटीग्रेटेड है? So as long as हम ये MQTT, HTTP इनको सपोर्ट करें, so basic normal protocol जो आते हैं वो आपने implement किए. आप जो question पूछ रहे हो ना, पहले हमें वो भी समझाओ कि आप पूछ क्या रहे हो. तो हम पागल हमें बैठे हैं, हमें question नहीं समझ आएगा, answer क्या समझ आएगा. मैं इसको simplified terms में बोलता हूँ. एक आपने standard formats लिए जो exist करते हैं, हाँ, उनसे data आता है, हाँ, आपने उस data को consume करने का standard protocol exactly. है, उसके basis पे आपने वो data database में डाल दिया. yes, अब आप yes. दिखा सकते हो उसके आगे. exactly. बस इतना ही किया अपन ने, यहाँ कोई बहुत बड़ा innovation नहीं. ये तो layer one हो गया, ये तो any IoT dashboard company would do. exactly, any company would do. exactly. next, second step is इस network और इस data को लेके हम 3D के साथ क्या कर रहे हैं. तो इस लेयर पे 3D और इसमें IoT डेटा आपका, अगर कुछ इसमें जो बोलते हैं ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ETL आता है, सो आपको ETL पाइपलाइन पूरी नो कोड वे में दे रखी है. ये तो मतलब काफी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसमें अपनी कोई इनोवेशन थोड़ी है. तो ये भी बना बनाया ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है. सो हमने इसमें WebGL की लेयर में इनोवेशन करी है. WebGL इज ओनली लाइटर इमेजेस, नो कोड प्लस IoT प्लस 3D. दिस इज वन इनोवेशन एंड इट्स बैक्ड बाय अ US पैटेंट एज वेल. US पैटेंट मेरे को 2019 में ग्रांट हुआ था, वो 2035 तक वैलिड है. ये सब आपके डिसीजन के लिए जरूरी है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही डीप है. जरूरी इसलिए कि कोई इनोवेशन मिलेगा प्लेटफॉर्म में तो पैसा डालूंगा, अगर कोई IP नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, तो मैं डालूंगा. अभी तक जो भी बताया है वो बना बनाया मिलता है. तो अगर आपको नहीं लग रहा इनोवेशन है अभी तक, मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया. आप थोड़ा शो ऑफ तो नहीं कर रहे हो? मैं शो ऑफ क्यों करूंगा भाई?
मेरे पता ही सारे टर्म्स जो ही बोल रहा है तो मैं इनसे क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूं तो यार जानते हैं लेकिन टेक्निकली उनको कंसेप्चुअली समझाना है अभी कौन से कोड में कौन सी लाइन डाली वो तो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है मैं भी नहीं पूछ रहा मैं नहीं सोचा आई एम आस्किंग दैट हां जी हां जी आई एम आस्किंग दैट अच्छा मैं आपको दो तीन सवाल पूछ सकता हूँ नॉन टेक्निकल या काफी लोग अभी ये इंडस्ट्री में आ गए आप अपने प्लेटफॉर्म को क्यों सुपीरियर मानते हो क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा जैसे कि गेमिंग में ग्लोबली कितने प्लेटफॉर्म दो तीन है राइट तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है यहाँ भी प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबली दो तीन कंपनी बनेगी और इसमें गूगल लगेगा फेसबुक लगेगा सारे ग्लोबल टेक जायंट्स लगेंगे आप ऐसा क्या कर रहे हो या तो आपके अप्रोच में या आपकी टेक्नोलॉजी में जो आप ग्लोबल स्केल का टेक प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाओ So, आपने जो राइटली बोले कंपेटिटर्स और इसमें माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया हैं जो इस रेस को मोस्ट लाइकली लीड करके जीतेंगे माय अप्रोच फर्स्ट राइट नाउ इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इनके सोल्यूशन में क्या है जो ये एड्रेस नहीं कर पा रहे आप अगर देखें जितने भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वो मेटावर्स और एंटरप्राइज नेटवर्क सुन के सीधा माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया पे जाएंगे बट जो बाकी के SMEs हैं जो 10 मिलियन टू 100 मिलियन डॉलर्स एनुअली कमाने वाले लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया का सोल्यूशन So, I'm not targeting these Fortune 500 players, I'm targeting the SMEs. Arey, even MSMEs. Exactly, right? And so, all these people, and because right now 3D ka itna hauwa ban gaya hai na, aap kisi ko bhi bolo, tumhe 3D chahiye, bolega, obviously, why not? Aur agar aap uske bolo, main tumhe Microsoft Azure ke 100 cost mein de sakta hoon, to pagal hi ho jayega wo to ye sunke. Nvidia का कितना का कॉस्ट करेगा और आपका कितना का कॉस्ट करेगा? Nvidia और Microsoft के देयर लाइसेंसेस आप कार डीलरशिप्स इनकी बात करता हूँ अभी कार को अगर आप इंटरनेट पे देखते हो आप उसको फील टच नहीं कर पाते एग्जैक्ट राइट अगर हर कार डीलरशिप नहीं चाहेगा कि उसका एक डिजिटल ट्विन बने शोरूम का 3D लेकिन बहुत से लोग कर रहे हैं वो तो आप कम्पीट कैसे करो वो नहीं समझ में आ रहा है इन एजेंसी से कम्पीट नहीं कर रहा जो आपको 2 लाख का कोड 4 लाख का कोड बोल के दे रहे हैं कि पूरा करो मेरा पॉइंट है कि ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है आप ही की टीम कोई एम्प्लॉय आके बोले कि सी अमित ये सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है हम इसको यूज करके बना सकते हैं एंड विद दिस हमें एजेंसी की जरूरत नहीं है दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव बेसिकली ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स मैं इस प्रोडक्ट को इतना सिंपल बनाना चाहता हूँ कि आपके नो कोड फ्रेमवर्क लिटरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना जैसा होता है ठीक है एंड दैट इज वॉट माई रोड मैप इज सेल्स बता दीजिए सो सिंस जनवरी 2021 व्हेन वी लॉन्च लेके अब तक हमने 1.45 CR का रेवेन्यू क्लॉक किया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लास्ट मंथ कितना किया आपने रेवेन्यू 14 लाख और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कितना है 3 महीने का अप्रैल में हमारा 11 लाख था सो फॉर द पास्ट 3 मंथ्स आई वुड से 25% के आसपास का क्यों नहीं बिक रहा है ये बिक तो रहा है एक्चुअली 1.5 करोड़ इन 1.5 ईयर इज नॉट इंप्रेसिव सेल्स ना नो आई डू अंडरस्टैंड बिकॉज़ फॉर द फर्स्ट ईयर वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द इंडियन मार्केट दैट वे That is what I also realized was our mistake because had we focused our energies outwards, European clients ko hum bahut aasani se convert kar pa rahe hain. What is your sales cycle? So my sales cycle is basically broken down in 6 steps, which can take time up to 2 months. Time kitna lagta hai aapka sales cycle? 2 months. 2 months tak lag sakta hai close hone mein. Okay. And profit? I wouldn't consider profits because pura paisa maine I've just reused or recouped in to build up the team. And that is also the reason why I'm raising this fund. So, अभी तक आपने कोई पैसे नहीं उठाए? मैंने एक seed round उठाया था. That was in May 2020. किससे और कितना? 71 lakhs का था. To Fard Networks, Let's Venture, API and a couple of other angels. Valuation? 8 crores की valuation. 8 crores. Yeah. मेरा decision बन गया है. जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना ये है कि आपको सक्सीड होने के लिए दो चीजें चाहिए होगी आई गेस वन इज की इंटरनेशनल B2B क्योंकि इंडिया में MSMEs फिर भी पैसे नहीं देंगी वो जुगाड़ ही करते हैं लाइसेंस का पर इंटरनेशनली लोग देते हैं और दूसरा है यू नो स्टेइंग अब्रेस्ट विद टेक्नोलॉजी अपडेशन कॉन्स्टेंटली मुझे लगता है ये दोनों चीजों में मैं आपकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट बेस्ट ऑफ लक थैंक यू मेरे को आप अच्छे लगे आप काफी यंग भी हैं पेटेंट वेटेंट भी फाइल किया इस यंग एज में ये समय बहुत ही कम था और मैं बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनता हूँ मेरे को इनोवेशन समझ में नहीं आया सेकंड मुझे समझ में नहीं आया कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या प्रोडक्ट लाइसेंस एज अ प्रोडक्ट सर्विस बंदे आके अपने आप ही यू नो डाउनलोड कर रहे हैं वैसी वाली फीलिंग नहीं है आज के लिए मैं बाहर होना चाहूँगा मैं बस आपको एक फीडबैक देना चाहूंगा अगर आपको मेटावर्स आता है ना आज की डेट में किसी को अपनी टीम बना के किसी टीम मेंबर्स को
कंज्यूमर मेटावर्स में भी डालो, उसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, तो कंज्यूमर मेटावर्स को मत भूलो। आई एम आउट फॉर नाउ। अनुपम एंड आई वुड लाइक टू गिव यू एन ऑफर, बट टू कंडीशंस। नंबर वन, I have a strong technology team with 60 people. They will do a proper due diligence. Yes. That is one. Yeah. Second condition jo hai is, you know, we will also evaluate the use case. So, hum aapko offer denge, which is 40 lakhs at 5% equity. मेरा current round एक convertible debt round already चल रहा है। उस राउंड के बेसिस पे जो हमने प्री मनी वैल्यूएशन का कैप लगा रखा है, दैट इज 12.18 सीआर। सो इफ यू वांट टू गिव मी अ काउंटर ऑफर, आई कांट गो बिलो 12.18 सीआर बिकॉज़ दैट विल ट्रिगर एन 90 डाइल्यूशन क्लॉज विद ऑल ऑफ माय प्रीवियस इन्वेस्टर्स। वो कितना रेस कर रहे हो? सो 1 सीआर कन्वर्टिबल डेट रेस कर रहा हूं। वो अभी तक हुआ नहीं है ना? जो भी होता है वो हिसाब से वो 3.2% के आसपास रहता है। चलिए डील करें क्या? लेट्स डू इट। So the deal we are giving you is a 12.18 crore valuation, which approximately aayega 40 lakh for 3% equity. 3.2% yeah. equity, to be precise. I'm okay with that. You're done? Yeah. All right. Awesome. I think we need to shake up the SME and MSME world, right? Hey, very nice. Brother. Thank you. अमित, आज शॉक एक्सपीरियंस में इंदौर से वसीम का आपके लिए सवाल है। मेरा एक स्टार्टअप है लेकिन मुझे इसे ग्रो करना है, तो क्या इसके लिए मुझे मुंबई या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में शिफ्ट होने की जरूरत है? इसका जीता जागता एग्जांपल मैं खुद हूँ। हमने कंपनी जयपुर से बनाई। आपको बहुत फायदे होते हैं छोटे शहर में कंपनी बनाने के लिए। सबसे पहला फायदा ये होता है कि आप एक रैट रेस का पार्ट नहीं होते। दूसरा, आपको कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, जैसे कहते हैं कि रेंटल सैलरीज जो देनी पड़ती बहुत कम होती, तो आपके ज्यादा समय मिलते अपने आइडियाज को चलाने के लिए। तीसरा, और छोटे शहर के अंदर आपको अपने आइडिया ट्राई करने का एक सीमित मौका मिलता है। एक ऑडियंस में आप कनेक्ट भी कर पाते हैं अपने ऑडियंस से। आपको बस कन्विक्शन चाहिए, अपने दिल में एकदम जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए। छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, कंपनी बनती है।